हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और फिर से स्वागत करती हूं अपने चैनल ब्लॉगर प्रियंका में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो दोबारा से हेयर स्टाइल वीडियो होने वाली है और आज मैं करने वाली हूं विदाउट हीट, विदाउट एनी मशीन, विदाउट कर्लर, ये हीटलेस कर्ल्स करने वाली हूँ मैं आप साथ शेयर के मैंने किस तरह से अपने कर्ल्स बनाए हैं, जो कि थोड़ा अभी जंगली नहीं कहूंगी लेकिन मैंने अभी सेट नहीं किया है। बाकी ड्रेसअप वगैरह विद मेकअप के साथ में बहुत अच्छे लगने वाले हैं ये कर्ल्स। तो मैं आपको जो है ओवरनाइट किस तरह से इन बालों को किस तरह से करके मैं ये कर्ल्स बनाने वाली हूँ उसका मैं मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले सबसे पहले आप जो है पूरा मेथड देखिए, उसके बाद आपको ऐसे कर्ल्स इजिली मिल जाएंगे। तो ये आप किसी पार्टी में भी जा, अगर आपको कहीं जाना है सुबह मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफिस जाना है या किसी पार्टी में आपको फंक्शन में जाना है तो ओवरनाइट आप इसको रख के या फिर 5 to 6 hours इस तरह से आप बना के अपने कर्ल्स पा सकते हैं विदाउट एनी मशीन, विदाउट कर्लर। तो ये हीटलेस कर्ल्स मैंने बनाए हैं, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। तो कर्ली हेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साथ में एक हेयर बैंड, रबर बैंड का पैकेट पूरा, वाटर बोतल, स्प्रे वाली वाटर बोतल, तो इसके अंदर पानी है और कुछ नहीं है, और एक चाहिए साथ में कॉम्ब। तो मुझे इस टाइप में चाहिए, आप चाहें तो बीच की मांग भी निकाल सकते हैं, तो मैं इस साइड से करने वाली हूँ इसलिए मैंने जो है साइड मांग निकाली है। तो आगे के थोड़े से बालों को लेके, छोटी तो मोस्टली सभी को बनानी आती है तो मैं वही करने वाली हूँ, कुछ अलग से नहीं है इसमें, छोटी ही करने वाली हूँ मैं। पहले छोटी करने से पहले, सॉरी मैं खुद भूल गई कि छोटी करने से पहले आपके, मैं इस साइड के बालों को यहाँ पे कम है तो इस साइड के बालों को मैं पहले स्किन की छोटी बनाऊंगी, बाद में दूसरे साइड के बालों में। तो सबसे पहले मैं स्प्रे करूंगी, जब तक आपके बाल हल्के फुल्के गीले नहीं होंगे तो आपके कर्ल्स जो है वो भी अच्छे से नहीं होंगे। तो थोड़ा मैंने इनको गीला कर लिया है, आप चाहें तो हेयर वॉश करने के तुरंत बाद भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी नाइट टाइम है तो मैं इसको पूरी नाइट रखने वाली हूँ तो इसलिए मैंने अभी हेयर वॉश नहीं किया है, मैं इसे ही थोड़ा बालों को गीला कर लूंगी। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ चोटियाँ। जितनी आप टाइट चोटी बनाएंगे उतनी ज्यादा कर्ल अच्छे से बनेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो टाइट चोटी बनाएं, पर इतनी भी नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो। छोटे बालों में बनाना थोड़ा इजी रहता है, लेंथ नहीं होती है तो ये थोड़ा सा मेरा प्लस पॉइंट है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा पेशेंस आपको काम लेना पड़ेगा, कर्ल्स के लिए पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह के कर्ल्स के लिए। तो धीरे 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 थोड़े थोड़े बालों की छोटी करने में दोनों इरिटेट हो जाते हैं कि कब फिनिश होगा। तो फाइनली मेरी छोटी बन गई है। देख सकते हैं कि एक छोटी बनाने में करीबन 2-2.5 मिनट लग ही जाते हैं, फिर भी ट्राई करें कि अच्छा हमें रिजल्ट मिले, मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। मेरा भी फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं डाउट थी फर्स्ट क्रिएट कर रही हूँ मैं, तो इसका रिजल्ट तो मॉर्निंग में ही मिलना है, तो पूरी नाइट जो है हमें पेशेंस से ही काम लेना है। तो ये कम्प्लीट हो गई, इतना सा जो है ये अब छोटी नहीं बन पा रही है तो मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। इसको मतलब बाल मेरे बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो इसलिए मैं इसको नीचे नहीं बांधूँ, उसमें थोड़ा फोल्ड करके बांधूंगी क्योंकि मेरे बहुत छोटे बाल हैं और सारे के सारे कटिंग हुए हैं, कटिंग हो रखी है प्लस और हल्के भी हैं, तो इस तरह से मैं बाकी और बालों की छोटी कर लूंगी।
फाइनली एक साइड की करीबन आधा घंटा लग गया मुझे करने में, एक साइड की हो चुकी है, अब इस साइड की वाली है, तो वो भी मैं धीरे धीरे करती हूँ। सबसे पहले मुझे स्प्रे करना है बालों पर पानी का। मैंने बोला ही था कि इसमें पेशेंस की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, आधा घंटा तो इतनी सी लगा, इस साइड तो ज्यादा वाले हैं, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लगने वाला है मुझे, बट फिर भी मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगी ही करूंगी। तो फाइनली मैंने सारे जो है इसकी चोटी बना ली है, फिर भी एक मिस रह गया। अब मतलब पीछे के बाल हम देख नहीं पाते, लेकिन जितना आगे के उतना मैंने कर्ल करने की कोशिश करी है, सारे बालों के सर से चोटी बन गई है। आई एम लुकिंग अ नाइजीरियन टाइप, बट अभी ओवरनाइट मुझे रखना है, अभी इवनिंग के 7 बजे हैं और मॉर्निंग में मैं 9 to 10, 11 इसको जो है ओपन करूंगी आपके साथ में, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितना मुझे जो है इसका रिजल्ट मिलता है कर्ल्स का, हीटलेस कर्ल्स का। तो ओवरनाइट मुझे ये रखना है, और कल मॉर्निंग में इसका जो है रिजल्ट मिलने वाला है, वो भी आपके साथ मैं ओपन करूंगी। तो चलते हैं, आज की नाइट जो है मुझे इसी तरह से रहना है और मिलते हैं मॉर्निंग में। और अब मैं जो है इनको खोलने जा रही हूँ। ऑनेस्टली बताऊं कि रात में सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि चुभती है ये रात में। तो सबसे पहले मैं इनको ओपन करती हूँ और चेक करती हूँ कि कितना जो है कर्ल्स बना है मेरा। इस तरह से स्प्रिंकल टाइप में कर्ल्स होने वाले हैं, तो फटाफट मैं इनको भी खोल लेती हूँ। सारी एक साइड के मैंने चोटियाँ खोली और काफ़ी फ्लफी और मेसी मेरे सारे कर्ल्स हो गए हैं, एंड आई लव इट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, और ये काफ़ी टाइम तक चलने वाले हैं आई होप। अब इस साइड के भी मैं ओपन करती हूँ, तो फाइनली सारे कर्ल्स मेरे खुल चुके हैं और आप देखिए कि काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में तो, और बहुत ही ज्यादा मैसी मैसी लुक आ रहा है। तो अगर आपको आपको भी ऐसे कर्ल्स चाहिए, तो मैंने जो मेथड बताया रात में ओवरनाइट आपको जो है चोटियां बना के रखनी पड़ेगी, तब जाके ऐसे कर्ल्स आपको मिलेंगे। और मतलब ये किसी भी आप ड्रेसअप के ऊपर जो है कर सकते, चाहे आपने वेस्टर्न पहना हो, चाहे आपने इंडियन ड्रेस पहना हो, मेरे ख्याल से तो सबके ऊपर अच्छे लगने वाले हैं और काफी फ्लफी भी हैं। ऐसा लग रहा है कि कितने ज्यादा मेरे घने बाल हो गए हैं, पीछे से भी आप देखिए सारे कर्ल्स बहुत ही अच्छे बने हैं सारे कर्ल्स। और मतलब खोलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जितना बनाने में टाइम लगता है उससे तो हाफ ही लगा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती रहूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।